हेलो जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड. वेल, वी हैव लॉकडाउन ओवर हियर और हम बाहर नहीं जा सकते. बिकॉज़ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो आई हैव टू स्टे एट होम. तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हाई नॉट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट सम सब्जेक्ट्स और सम टॉपिक्स स्टेइंग एट होम सो दैट आई कुड क्रिएट सम कंटेंट फॉर यू. I was just wondering, like, I'm living in Germany and I moved, like, from Pakistan to Germany. Why I left my country and why I moved here? Then I started thinking about it. Sirf main yahan pe nahi hu, bulki puri duniya se log yahan pe aake reh rahe hain. Why is that? Ke log apna mulk chhod ke kisi dusre mulk mein jaake kyun rehte hain? Log ek country mein paida hote hain, wahan bade hote hain, wahan wo study karte hain, wahan unki family hoti hai, they have their friends over there. Unka social background wahan ka hota hai, but still eventually start moving to some other country और फिर वो वहाँ पे जाके क्यों रहना शुरू करते हैं. ना सिर्फ वो वहाँ पे खुद रहते हैं बल्कि उनके आने वाली नस्लें वहाँ पैदा होना शुरू होती हैं और फिर वो वहीं क्यों रह जाते हैं. So there are many reasons for that, but I would like to talk about like top 5 reasons. But उससे पहले let's wash our hands. So there are so many reasons why people leave their country and go to other country to start living over there, but I would like to highlight 5 points out of them. Number 1. Escape conflict zone. कुछ लोग ऐसी कंट्री से भी आते हैं जिनकी अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होती, पीस नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं. For example, countries like in Middle East or somewhere, जहाँ पे उनको अपनी life को एक threat होता है, and they think कि अगर वो किसी और country में move करेंगे तो they can survive. So obviously they will be moving over there as well. Number 2, escape poverty. जहाँ की financial stability इतनी ज़्यादा नहीं होती, poverty होती है, उनकी salaries इतनी अच्छी नहीं होती, तो obviously they are looking for some better life. और वो ऐसी countries में move करते हैं जहाँ के उनको एक अच्छी salary मिलेगी जिससे वो एक अच्छी life गुजार सकते हैं. Number 3. High standard of livings. तो किसी भी दूसरी कंट्री में मूव करने के लिए सिर्फ सैलरी ही काफ़ी नहीं है, कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पे एजुकेशन अच्छी होती है, जहाँ पे हेल्थ का सिस्टम अच्छा होता है, जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है. ऑब्वियसली अगर लोग अर्न कर रहे हैं और वो टैक्सेस भी पे कर रहे हैं तो दे वॉन्ट टू गेट समथिंग गुड इन रिटर्न. सो दैट इज वाई पीपल यूज टू मूव टू दिस काइंड ऑफ कंट्रीज. नंबर 4, ऑफर अ बेटर लाइफ. अदर देन दैट, लोग इसलिए भी मूव करते हैं कि कुछ कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे ऑफर लाइक इनिशियल सपोर्ट व्हेन इमिग्रेंट विल बी मूविंग टू देयर कंट्री, एंड ऑल्सो दे ऑफर लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट. नंबर 5, पॉलिटिकल रीजंस. कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती या लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलता, और वो समझते हैं कि वो किसी ऐसी कंट्री में जाएं जो उनको पॉलिटिकल फ्रीडम भी हो. सो दे प्रेफर टू गो टू दोज कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन भी स्टेबल होती है और उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिलती है. एंड दे जस्ट वांट टू गो ओवर देयर टू गेट सिटीजनशिप एंड टेक पार्ट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट कंट्री एज वेल. नंबर 6,